नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के बारे में। इससे पहले हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी जो फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन थी। फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का क्या मतलब है? जो अलोंग द एक्सिस हमारे हो रही थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इसको सपोर्ट दे देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर खींच कर, यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, इसको खींच कर छोड़ देते हैं, तो ये जो एक्सिस है स्प्रिंग का, इसी के अलोंग वाइब्रेशन हो रही थी। लेकिन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होगा? एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि मान लीजिए इस तरह से आप कोई एक शाफ्ट मान लें, यहाँ पर एक सपोर्ट हमने मान ली और यहाँ पर हमने एक शाफ्ट मान ली, इसको आप जो है नीचे खींच कर छोड़ देते हैं। यहाँ आपने फोर्स लगाई, यहाँ पर फोर्स लगाई और इसको खींच कर नीचे छोड़ दिया, तो इस तरह की। अब देखिए ये एक्सिस है इसका, अब ये परपेंडिकुलर होगी वाइब्रेशन इसमें, जब आप फोर्स लगाकर छोड़ेंगे तो इस तरह से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होंगे इस एक्सिस के, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होती हैं। तो यही हमें डिस्कस करनी है, जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट मान लेते हैं और एक शाफ्ट यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो शाफ्ट है हमें माननी है कि इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इसका मास जो है ही नहीं। थियोरेटिकली हम इसको मानेंगे, एक एंड से इसको फिक्स कर दिया और एक एंड से इसको फ्री कर दिया। अब ये जो फ्री एंड है यहाँ पर हम एक वेट को लगा देते हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग की पोजीशन ये है इसकी, अब यहाँ पर एक वेट को लगा देते हैं हम, या कहें कि फोर्स को लगा देते हैं, जिसके कारण से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये यहाँ तक आई है, यानी कि पहले जो था एक्सिस ये था, और इसके अंदर जब आपने वेट को लगाया तो इसके अंदर डेल्टा डिफ्लेक्शन आ गया। आपने क्या किया, वेट को यहाँ पर लगाया, पहले तो वेट नहीं था, जैसे ही वेट को लगाया ये नीचे आ गए, यानी कि यहां तक ये आ गए। अब इसके अंदर यानी कि डेल्टा डिफ्लेक्शन आए। अब यहां पर अगर हम और फोर्स को लगाते हैं इसी के ऊपर इस पोजीशन से, अब ये जो पोजीशन है ये हम मान लेते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन ये हमने मीन पोजीशन क्यों मानी, कि जब आपने वेट को लगाया तो उसने ये पोजीशन गेन कर ली, यहां पर आ गई वो। अब ये जो पोजीशन है इसकी मीन पोजीशन हम मान लेते हैं। अब यहां पर अगर आप इस पे फर्दर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए आपने इस पे और फोर्स लगा दी, तो ये एक नई पोजीशन ले लेता है, और ये जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है इसको हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट आता है, ये हम मान लेते हैं। अब आपने यहां से इस पे फोर्स लगाई, यानी कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। फोर्स हमारे पास क्या होती है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होती है। अब यहाँ पर जो मास है वो हम m से डिनोट करेंगे और जो एक्सेलरेशन है उसको हम यहाँ पर d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर से लिखेंगे। ये हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं एट एनी टाइम t दिखा रहे हैं। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। m को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है w बाई g होता है, क्योंकि वेट क्या होता है m इंटू g, मास क्या होता है w बाई g। तो ये सारी चीज आपके क्लियर है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में वेट लगाया तो इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गई जो कि हमने डेल्टा लिया, और फोर्स लगाई तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी कि ये मीन पोजीशन बन गई जब हमने इस पर वेट लगाया, फिर और फोर्स लगाई तो इसने ये पोजीशन गेन कर ली। अब जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। अगर हम जो एस है वो स्टिफनेस माने शाफ्ट की, अब यहाँ पर कुछ चीजें ले लेते हैं। मान लीजिए डेल्टा जो है स्टेटिक डिफ्लेक्शन है ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ द बॉडी के कारण इसके अंदर जो स्टेटिक डिफ्लेक्शन आई एक बार, x क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद, या कहें कि आप अगर फोर्स लगाते हैं ऐसे समझ रहे हैं इसको, वैसे तो t सेकंड के बाद है, हम ऐसे समझ रहे हैं कि हमने थोड़ी और फोर्स लगाई तो हमने इसको नीचे कर दिया, डिफ्लेक्शन x दे दी। s जो है स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट है और w क्या है वेट ऑफ द बॉडी है। अब यहां पर देखिए होगा क्या, जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी तो इसको एक फोर्स बैलेंस भी करेगी। वो कौन सी फोर्स होगी, जो अपवर्ड की तरफ होगी, वो किसके बराबर होगी, जो शाफ्ट की स्टिफनेस है और जो ये डिस्प्लेसमेंट आया यहां से, यहां आपने जो एक्स दिया है इसको डिस्प्लेसमेंट, उतनी ही तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर क्रिएट होगी। ध्यान से समझिए इसको, मान लीजिए एक स्प्रिंग है आपके पास, अगर मैं इसको खींचता हूं, यहां पर फोर्स अप्लाई करता हूं, यहां पर फोर्स अप्लाई की तो क्या होगा, अब ये इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, इस तरह से एक एक्सटेंशन आ गई जब मैंने फोर्स अप्लाई की। अब इस यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, जब ये फर्स्ट पोजीशन थी ये सेकंड पोजीशन थी, जैसे कि ये यहाँ पर है, अब इस पोजीशन के ऊपर इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी। अगर एस इसकी स्टिफनेस है
और एक्स इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया है, मान लीजिए एक्स डिस्प्लेसमेंट आया है, तो इस फोर्स के बिल्कुल उल्टी इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी जिसको हम एस एक्स बोलेंगे, ऊपर की तरफ होगी वो। अगर आप इस फोर्स को यहां से हटा लेंगे तो एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा, किसके कारण से जाएगा, इस फोर्स के कारण से ही जाएगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसीलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है हम माइनस में लेते हैं, माइनस एस एक्स इसको लिखते हैं। तो माइनस एस एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो है इस फोर्स का अपोज करती है, उसको ऊपर की तरफ इसकी उल्टी डायरेक्शन में वो इकट्ठी होती है। तो यहां पर इसी तरह से ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर क्रिएट होगी जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी जैसे ही फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगी, चाहे वो आपने वेट लगाया है चाहे वो खुद से फोर्स लगाई है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर क्रिएट होगी ही होगी। अब यहां पर लिख लेते हैं कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो ये किसके बराबर होगी, माइनस एस एक्स के बराबर ये होगी, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि माइनस होगी ये। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेटिंग फोर्स की बात करें, ये जो फोर्स है ये हमने क्या निकाली, एक्सेलरेटिंग फोर्स ये आ जाती है हमारी एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये इतनी है हमारे पास। अब ये दोनों बराबर है, ये नीचे की तरफ है तो ये इसको इक्वेट कर रही है, इतनी ही ये इकट्ठा हो रही है जितनी आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, ये फर्स्ट आप इक्वेशन ले लीजिए, सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यहां पर एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एस एक्स, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये माइनस का एस एक्स इस तरफ आ जाएगा, यहां पे प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या आ गया, जीरो। अब इसको हम सिंपल हार्मोनिक जो मोशन की इक्वेशन है उससे रिलेट कर लेते हैं, वो क्या थी हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, फर्दर सोल्व यानी कि इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और प्लस ये एम जो है इसके नीचे आ जाएगा, एस के नीचे एम और यहाँ एक्स आ गया और इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको इससे रिलेट करते हैं, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है और ये हमारे पास आई, तो देखिए पहली टर्म जो है बिल्कुल सेम है, पहली टर्म सेम है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह यहाँ एस एम है, एस बाई एम है, तो आप इसको एस बाई एम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एस बाई एम आ जाता है और यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू को निकालें वो क्या आ जाती है, अंडर रूट एस बाई एम आ जाती है, ये आ गई। अब अगर हम टाइम पीरियड को निकालना चाहते हैं टीपी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा की वैल्यू ये है, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई एस आ जाएगी। तो ये तो आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। इसी तरह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एफ एन ये क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड टीपी, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2 पाई और अंडर रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा, ये एस बाई एम हो जाएगा। तो ये आ जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। जो डब्ल्यू था वो किसके बराबर था, जब हमने वेट अप्लाई किया था वो एस डेल के बराबर था, यानी कि जो एम जी था वो एस डेल के बराबर था। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब हमने वेट को अप्लाई किया था तो डेल्टा डिफ्लेक्शन आई थी, यानी कि वेट अगर नीचे है तो एस डेल ऊपर की तरफ होगा, तो वही चीज वही रिलेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर डब्ल्यू जो है नीचे की तरफ है तो एस डेल के बराबर होगा, डब्ल्यू का क्या मतलब है एम इंटू जी, एस डेल के बराबर है। यहाँ से एस बाई एम हम निकाल सकते हैं, एम इसके नीचे चला जाएगा और डेल इसके नीचे आ जाएगा, जी बाई डेल आ जाएगा और एस बाई एम आ जाएगा। और यहाँ से एस बाई एम की वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं, और जब हम एस बाई एम की वैल्यू को पुट करेंगे 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ये क्या आ जाएगा, जी बाई डेल्टा आ जाएगा, यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी की ये भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है बिल्कुल सेम है जो कि हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर निकाली थी। तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का सेम आता है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की तरह ही आता है। और ये जो हमने केस देखा अभी, ये एक तरह का कैंटिलीवर होता है, यानी कि एक तरफ से फिक्स होता है दूसरी तरफ से फ्री होता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के अंदर हम पढ़ते हैं कि इस तरह से जो कैंटिलीवर बीम होते हैं उनको एक फ्री एंड पे जब हम लोड करते हैं तो डिफ्लेक्शन कितनी आती है। तो जो डेल्टा होता है वो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड में 3EI, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रख लीजिए, ये आपके बाद में काम आएगा। तो बाद में हम पढ़ेंगे भी इसको जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो W होता है ये लोड होता है जो हमने अप्लाई किया है फ्री एंड के ऊपर, L होती है लेंथ ऑफ द शाफ्ट
और ई होता है यंग मॉडुलस फॉर द मटेरियल और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट या फिर जो बीम है कुछ भी आप ले रहे हैं तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।